मज़ा पता किस में आता है इसको ऐसे, ये तो एक तरीके से पूरी मील है। मैंने ऐसी दही कचौड़ी नहीं खाई कि चौधरी का चांद और चौधरी के मिर्ची वड़े बड़े ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा इतनी सी रहती है वो जो इतनी बड़ी हो जाती है। बड़ी जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं। अरे क्या यार, मशीन ऐसी लगी हुई है। क्या गुलाब हलवा खाना है? जोधपुर से कुछ 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह है पाली। सो आई गाइस, तन में द सेट फ्रॉम वेजी बाजी, और आज हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जोधपुर में। कहाँ पे आए हुए हम लोग? तारघर स्पेशल भाटी की टी स्टॉल पे, सरदारपुरा डी रोड पे। सरदारपुरा डी रोड पे हम लोग आए हुए हैं। हमारे हमको ज्वाइन कर रहे हैं आज हेमंत। हेमंत जोधपुर के पक्के जोधपुरी है। सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग निकले हुए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, मूविंग लाइफ है जी। हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं कि आज पूरे दिन में क्या क्या खाना है, और फिर आप लोगों को वो बढ़िया बढ़िया खाने के जायके, जोधपुरी खाने के जायके दिखाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप सुबह किस से शुरुआत करते हो, चाय से, कॉफ़ी से, दूध से, या किसी से भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इतना लेट हो जाते हैं कि कुछ करने का टाइम नहीं मिलता, फिर ऐसे भाग भाग के जाते हैं। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड फ्यू। मज़ा पता किस में आता है? इसको ऐसे डिप करके खाना। पटा 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 डिप करके। अभी हम लोग डी रोड पे थे, डी से बी पे आ गए। हम लोग डी से बी पे आ गए। यहाँ से क्या खाने वाले? हम खाने वाले हैं कढ़ी कचौड़ी और दही कचौड़ी। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। भाई एक कड़ी कचौड़ी और एक दही कचौड़ी खिलाना। ये क्या है? ये कड़ी कचौड़ी, प्याज वगैरह चटनी वटनी सब डालिए। सब सब अपने मजे से डालिए। क्या क्या रहता है इसके अंदर? इसके अंदर प्याज रहती है, मीठी चटनी रहती है, हरी चटनी रहती है, दाना वाना रहता है। पकौड़े पालक के? हाँ। अरे वाह, तो इसका प्राइस 30 रुपीज़ है और दही कचौड़ी भी 30 है। होलसम क्वांटिटी। थोड़ी टैंगी है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। कड़ी से ना खटास आती है। हाँ आप पहले पास में आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी क्वांटिटी देखो आप, ये तो एक तरीके से पूरी मील है, सारी चीज़ें हैं, मतलब ये पूरा एक मिक्स है जैसे कह सकते हो आप। कचौड़ी का हींग का फ्लेवर एकदम स्ट्रॉन्ग आता है, कड़ी का एकदम स्पाइसी फ्लेवर आ रहा है, प्याज पालक के पकौड़े सबका जो मिक्सचर है ना बहुत ही शानदार है। अच्छा हेमंत, तो तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त होंगे ना कॉलेज में जो ऐसे, मतलब जब भी खाने की पैसे देने की बारी आती होगी पैसे नहीं देते होंगे? हाँ कहीं ऐसे दोस्त होंगे ऐसे कंजूस टाइप से। हाँ उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ए गरीब निकाल पैसे बोलते हैं ना ऐसे। वो लोग पता कहाँ पे खाना खाते हैं, कभी उनका पेस्ट्री वेस्ट्री खाने का मन करता है? कौन सी जगह पे? गरीब बेकरी। अच्छा देखो इतने भी बुरे लेवल के जोक्स नहीं है मेरे। मैंने ऐसी दही कचौड़ी नहीं खाई, वो तो नॉर्मल वो हींग कचौड़ी दही के साथ खाते हैं ना, एकदम गाढ़े दही के साथ, हंकर्ड के साथ, वो वाला खाया। अच्छा अच्छा, ये कचौड़ी चाट हो गया ना, इस टाइप का नहीं खाया मैंने। शाम तक रहते हैं ना ये चीज़, क्योंकि ना थोड़ी सी शाम वाली चीज़ है कचौड़ी चाट ना, मतलब या तो शाम वाली चीज़ हो या थोड़ा मौसम एकदम मौसम थोड़ा मेहरबान हो गया तो आप फटाफट भाग के ना यहाँ पे आ सकते हो ये कचौड़ी खाने, अदरवाइज आप ये कचौड़ी शाम को ही खाए तो परफेक्ट रहेगा। फिर इसके अंदर धनिया प्याज फलाना ढिमकाना तो है ही सब कुछ, और ऑब्वियसली दही और सौंठ की चटनी है।
खाते हैं, देखते हैं कैसा है। 30 रुपीज़ इसका प्राइस है। कचौड़ी चाट, जायका कचौड़ी, कचौड़ी चाट काफ़ी अच्छी है, अलग जायका है। तो दोस्तों हम लोग अपनी अगली जगह पे आ चुके हैं, चौधरी चौधरी नमकीन। यहाँ के फेमस है मिर्ची वड़े, जो पूरे इंडिया के अंदर फेमस माने जाते हैं। कि चौधरी का चांद और चौधरी के मिर्ची वड़े बड़े ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। पहले इसको एक ऐसे खाते हैं, फिर एक ब्रेड के साथ खाएंगे। आलू पराठे में जो हम लोग वो डालते हैं, मिक्स डालते हैं, वो रहता है, वो एकदम हार्ड हार्ड रहता है, ये एकदम सॉफ्ट है और एकदम हलवे जैसा इसका टेक्सचर है। और मतलब जैसे हलवे जैसा टेक्सचर है ना, थोड़ा सा लिक्विड और सॉलिड के बीच में है, तो उस चक्कर में ना ये काफ़ी ज़्यादा खाने में ऐसा चटनी जैसा लगता है। हाँ। तो इसके साथ चटनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती फिर कि यहाँ पर ना एक तो चटनी सर्व नहीं होती। चटनी का तो मैंने आपको किस्सा बता दिया कि चटनी का क्या दिक्कत है, कि दिक्कत क्या है कि एक तो चटनी खा के आपके हाथ गंदे होते हैं। हाँ। तो यहाँ पे चटनी है ही नहीं, तो हाथ गंदे होंगे नहीं। चटनी का काम अंदर ही कर दिया। दूसरी चीज़, ब्रेड से ना इसका थोड़ा सा स्पाइसी लेवल कम हो जाता है और थोड़ा मील जैसा लगता है। हाँ। कि एक मिर्ची वड़ा 16 रुपये का, एक पीस ब्रेड 1 रुपये की, 17 रुपये में आपके पूरा पेट भर मील हो गया। ये हम लोगों ने गरम गरम यहाँ पे इमरती बन रही थी, गरम गरम इमरती देख के मन ललचा गया। रस्सा देखो इसका कैसे डुबकी मार रहा है, लिटरली गरम गरम इमरती ट्राई। बट आई थिंक मिट्टी वड़े पे फोकस करते हैं। हाँ। अच्छा ये सही है, कटिंग किया हुआ है, वो कटिंग करा हुआ है। हाँ। तो इसमें मसाला बढ़ता है ना, तो बाहर आएगा, बाहर आएगा ये। हाँ अच्छा, इतनी सी रहती है वो जो इतनी बड़ी हो जाती है। हाँ तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती ना, ये इसके बीज भी निकल जाते हैं। तो ये बड़ी वाली मिर्च होती है, फिर इसका काट देते हैं इसको, फिर इसमें ये वाला मसाला डलता है और फिर वो उधर फ्राई होती है। बड़ी जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं। अच्छा, कितने साल से आप बना रहे हैं इसको? 11 साल। वही 11 साल से कर रहे हैं तो बहुत फुर्ती आ जाती है। क्या अच्छा, ठीक है जी। चौधरी का चांद और चौधरी का मिर्ची वड़ा सही में बहुत सुंदर है। एक से पेट भरा नहीं मेरा, पेट एक से मन नहीं भरा मेरा, तो दूसरा ले लिया, दूसरा मिर्ची वड़ा जब तक लपेट दे। ये चिली लग रहा है थोड़ा, मिर्च मिर्च का फ़र्क रहता है ना। अब जा रहे हैं हम लोग कहाँ पे, मीठा खाने कुछ, गुलाब हलवा। गुलाब क्या चीज़ है ये? गुलाब हलवा पाली का फेमस है। गाजर का हलवा तो नहीं बोल रहे कहीं? नहीं नहीं नहीं, गुलाब हलवा। मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया था कि मेरे को बस लोग बोल रहे थे कि स्पाइसी कम करने के लिए ब्रेड के साथ खाते हैं। ये वाली मिर्च जो खाई ना भाई, भयंकर स्पाइसी थी। अब समझ आ रहा है क्यों ब्रेड के साथ क्यों खाते हैं। मीट नफरीत, नफरीत मैंने अभी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो करते हैं ना, उनको पहले ही पता चल जाता है कहाँ पे रहता है, क्या रहता है। स्टोरीज़ को देख के नफरीत, हम लोग मिर्ची वड़ा खा रहे थे वहाँ पे, हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग क्या गुलाब हलवा खाना है, गुलाब हलवा। जोधपुर से कुछ 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह है पाली, पाली का फेमस है गुलाब हलवा। तो अब हम लोग गुलाब हलवा खा रहे हैं नफरीत के साथ। अब थोड़ा बातचीत वगैरह करते हैं, और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करो तो करो जाके, पता नहीं किस बात का वेट कर रहे हो। मिल्क और शुगर से बनता है इसको, क्या प्रिपरेशन करते वक्त इसको बहुत ज़्यादा सिकाई करते हैं, घूमते हैं, ज़्यादा घूमते हैं तो उसका कलर ऐसा निकल के आता है, इसलिए। तो इसको मतलब गुलाब हलवा क्यों बोलते हैं? गुलाब इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुलाब को जिन्होंने गुलाब हलवा बनाया था
अच्छा, बॉक्स के ऊपर भी फोटो लगा हुआ आता है गुलाब पुरी जी का। गुलाब गुरु जी, अच्छा। गुलाब पुरी जी ने हलवा बनाया था, इन्होंने गुलाब हलवा बनाया, इसलिए इनका नाम गुलाब हलवा। अच्छा 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 अच्छा। प्रिपरेशन ये मिल्क और शुगर की, मिल्क और शुगर की अच्छे से भून भून के। तो ये पाली का, आई थिंक पाली का है, पाली का हलवा है। नवरी तुमने खा रखा है गुलाब हलवा, कैसा लगता है? 300 रुपीज के जी इसका प्राइस है, हम लोगों ने फिलहाल 100 ग्राम लिया है। वो एकदम भून के ना उसको काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत मिल्क केक जैसा टेस्ट है, मतलब इसको खा के ना थोड़ा पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको प्रिपरेशन में लगा। जैसे हम लोगों ने उस वीडियो में वो लस्सी दिखाई थी आप लोगों को, मलाई रोटी जैसे खाई थी, वो चीज़ देख के लग रहा था कि ना इसको ना बहुत टाइम, इसको बहुत घंटे लगे हैं इसको बनाने में, इसकी प्रिपरेशन में। ऐसे ही ये गुलाब हलवा खा के लग रहा है। इसका टेक्सचर जो है ना थोड़ा क्रम्पली सा है, दानेदार सा टेक्सचर है, थोड़ा सा हार्ड है, बट जो इसका टेस्ट है इट्स जस्ट रिच, आई थिंक मावा जैसे कैरमलाइज हो जाता है ना, वो वाला टेस्ट आ रहा है, और ऊपर चांदी का वर्क डाला हुआ है, कमाल का। परफेक्ट वे टू एंड दिस वीडियो, हम लोग वीडियो अभी एंड ही करने वाले थे एकदम सही टाइम पे तुम स्टोरी देख के आ गए हो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि जोधपुर अभी तक पधारे हो कि नहीं पधारे, वरना ये वीडियो पॉज करो, ऐसा करो ये वीडियो पॉज कर लो, उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं करा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो पॉज करो, फिर टिकटिंग काउंटर पर जाओ, टिकट बुक कराओ जोधपुर की, और फिर वापस वीडियो रिज्यूम करो। जितने आपकी टिकट बुक हो जाएगी आप सारी जोधपुर की प्लेलिस्ट देख लो, और अगर जोधपुर नहीं जाने का मन, कहीं और जाने का मन है तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, जयपुर, फलाना, ढिमकाना, सारी जगहों के प्लेलिस्ट, वेजी बाजी मुंबई, वेजी बाजी बैंगलोर लिखोगे सर्च पे तो आ जाएगा। मैं तनमय फ्रॉम वेजी बाजी अभी अपना गुलाब हलवा ख़त्म करता हूँ, नवप्रीत से थोड़ी गप्पे मारता हूँ, और आगे निकलता हूँ किसी और बढ़िया वेजिटेरियन खाने की तलाश में आप लोगों के लिए। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन। बाय बाय नाउ। देखो स्टोरी डालने का एक और फायदा, आई फाउंड समबडी एल्स। आपका नाम? विनय पाटी। विनय भी ये स्टोरी देख के आया, अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हो अगर अभी तक नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।